बेटा बोला, माँ लव मैरिज करने से घर वाले नाराज़ होते हैं क्या? माँ बोली, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियाँ तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती है, जहाँ अच्छा लड़का दिखा शुरू हो गई। बेटा उनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका खानदान तो भी। बेटा बोला, बस माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। जी तो बोली, खिड़की में पर्दा लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे देखने की कोशिश करता है। संता बोला, एक बार ठीक से देख लेने दे, वो खुद पर्दा लगवा लेगा। पत्नी बोली पति से पूछा, मेरे न होने पर क्या करोगे? पति बोला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी बोली, अगर दूसरी शादी तो नहीं करोगे? पति बोला, पागल का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। पत्नी पति से बोली, काम के समय मुझे किस विष मत कीजिए किया कीजिए। तभी काम वाली बाई ने बोला, मैम सही तरीके से समझा दो, मैं तो थक गई समझा समझा कर। पत्नी बेहोश। पति बोला, कितनी बार कहा है कि खाना बनाते टाइम मोबाइल मत चलाया कर, अब देख सब्जी का स्वाद एकदम पानी जैसा लग रहा है। पत्नी बोली, ज़्यादा दिमाग का दही मत करो जी, आपसे कितनी बार कहा है खाना खाते टाइम मोबाइल मत यूज किया करो, सब्जी की जगह पानी में रोटी डुबो डुबो कर खा रहे हो। मार्केट से पत्नी घर लौटी, पति बोला, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम आज मेरे लिए कुछ जरूर खाने की चीज लेकर आई हो। पत्नी बोली, कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर, क्योंकि आज मैं एक नई सैंडल लाई हूँ। रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। पत्नी बोली, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफ़ी मांग रहे हो? पति बोला, किसने कहा माफ़ी मांग रहा हूँ, आज नाग पंचमी है, ले नागिन दूध पी ले। सुहाग रात के दिन, पति बोला, कैसा महसूस कर रही हो? पत्नी बोली, यही कि अब तक तो मैं टॉप अप थी और अपना काम चला रही थी, लेकिन आज से लाइफ टाइम करवा लिया है।